गाइज वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइज, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग इमोशन थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो गाइज, रीडिंग को शुरू करने से पहले जल्दी से मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बस एक हाई का मैसेज सेंड कर दीजिए, मैं आपको सारी डिटेल सेंड कर दूंगी। सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पर भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो गाइस, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ बी पॉजिटिव। लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए कि करंट एनर्जीज क्या हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग इमोशन थॉट्स अभी क्या है। लेट्स सी। सो फर्स्ट है यहाँ पर लाइफ लेसन एंड हीलिंग, और बॉटम ऑफ द डेक से है मेक द एफर्ट। सो गाइज, यहाँ पर पहला कार्ड मुझे ये बताता है कि आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने अभी हाल ही में कोई ना कोई लाइफ लेसन्स लिए हैं। मींस अभी किसी न किसी कार्मिक साइकिल को उन्होंने कंप्लीट किया है एंड कुछ ना कुछ तो उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। लाइक यू नो, कुछ ना कुछ समझ, कुछ ना कुछ मैच्योरिटी उनमें आई है। जैसे कि एक कार्मिक टाइम, एक कार्मिक साइकिल, एक टफ साइकिल जिसमें हमें कभी कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन जब हम वो चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ भाई, ये मेरी गलती रही है। सो आई फील कि ऐसे कुछ लेसन उन्होंने लिए हैं, ऐसे कुछ रियलाइजेशन उन्हें किए हैं और अभी वो एक हीलिंग पीरियड में है कि वो अपने आप को हील कर रहे हैं। वो अपने पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं कि वो अपने आप को हील कर सके। लाइक यू नो, जब हमें किसी चीज़ की रियलाइजेशन होती है तो हमें गिल्ट वाली एनर्जी भी आती है, बिकॉज हम कहीं ना कहीं खुद की गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं फिर उस टाइम पे। एंड थोड़ा सा यू नो, हमें अपने ऊपर अपने आप ही हम खुद को ही बुरे लग रहे होते हैं कि यार मैंने ऐसा किया, राइट? सो उस चीज़ से ये निकलना चाहते हैं, उस गिल्ट वाली एनर्जी से, उस रिग्रेट वाली एनर्जी से ही अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपने आप को कुछ चीज़ों के लिए माफ़ करना चाहते हैं। उसी चीज़ का एफर्ट ये डाल रहे हैं, लेकिन अपने आप को हील करना। कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस इन्होंने किया है जो कि इनके लिए पेनफुल रहा है, क्योंकि अगर आप देखो ये हार्ट है जिसके ऊपर यू नो ये कहीं ना कहीं इसको तकलीफ़ पहुंचाई गई है। ओके, इसको ठेस पहुंचाई गई है, इसको दर्द दिया गया है। सो आई फील इन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जहाँ पर इनको हर्ट हुआ है, जहाँ पर इनको तकलीफ़ हुई है, एंड ये उसी को अब हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो एक हीलिंग प्रोसेस पर है ये, और अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। पूरे एफर्ट्स इनके जो भी जा रहे हैं वो जा रहे हैं अपने आप को हील करने पर, अपने इस पेन से बाहर निकलने पर। ओके, रिलीज योर पास्ट। सी, यहाँ पर वही कार्ड आ गया और यहाँ पर है यू आर वर्थी ऑफ लव। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे। आई फील पास्ट का कुछ यू नो रहा है जो कि काफ़ी पेनफुल रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो आपके कनेक्शन में।
उन्होंने आपको इग्नोर किया थर्ड पर्सन की वजह से, और थर्ड पर्सन ने उनको धोखा दे दिया या फिर उनका हार्ट ब्रेक कर दिया, और अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो अपने आप को हील कर रहे हैं, और थोड़ी शर्मिंदगी है कि आपके साथ ऐसा किया, उसके लिए खुद के उस खुद से भी नाराज़ हैं, गिल्ट वाली रिग्रेट वाली एनर्जी भी है, एंड खुद को उससे बाहर निकालने की कोशिश करें, माफ़ करने की खुद को कोशिश करें, और उस पास्ट को जो कि पेनफुल रहा है उसको रिलीज़ करने की कोशिश करें। सो आई फील कि इनके रिसेंट पास्ट के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि काफ़ी पेनफुल रहे हो, जिसको ये रिलीज करने की अभी कोशिश कर रहे हैं, एंड अपने आप को ये बता रहे हैं कि जो मैं जो हूँ वो डिज़र्व करता हूँ सच्चे प्यार को। सो आई फील यू नो पहले इन्होंने कद्र नहीं की सच्चे प्यार के जो कि आपने इनको दिया, ओके, लेकिन अब कहीं ना कहीं इनको उस चीज़ की कद्र हो रही है कि सच्चा प्यार कितना ज़रूरी है, और इस चीज़ का रिग्रेट भी हो रहा है कि इन्होंने किसी और की वजह से आपने इनको जो सच्चा प्यार दिया उसको इन्होंने इग्नोर किया। सो इस बात का रिग्रेट भी है, गिल्ट भी है, और दर्द भी है कि हाँ मैंने गलती की है, बट ये उसी चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उसी गिल्ट को जो है ये अपने से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड अपने आप को माफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी ऐसी कोई हीलिंग होती है उसका पहला स्टेप यही होता है कि सबसे पहले खुद को माफ़ करो, तभी आप दूसरों से माफ़ी मांग सकते हो। सो वही है कि पहले ये खुद को हील कर रहे हैं, लाइक खुद को रेडी कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। कार्मिक पार्टनर, सी मैंने यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन की बातें की थी, वर्क ऑन योर कनेक्शन। सो ये कार्मिक पार्टनर थे इनके, ठीक है, और लाइक जो थर्ड पार्टी रही है वो इनकी कार्मिक रही है, जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान थे और ये चीज़ें बहुत जल्दी समझ चुके हैं, एंड आप दोनों के बीच में कार्मिक साइकिल था जो कि अब एंड भी होने को ही है। जैसे ही सेल्फ लव के प्रोसेस से आगे बढ़ जाएंगे, एक तरीके से ये एक क्लोजअप मिल जाएगा इस साइकिल को, एंड ये कहीं ना कहीं काम करेंगे कनेक्शन के ऊपर। यू नो देखो यहाँ पर ना बहुत डीप बात है जो कि मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर बात ये है कि जब ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई, ठीक है, तो क्या हुआ, आप दोनों का एक कार्मिक साइकिल स्टार्ट हुआ, ठीक है, आप दोनों का काफ़ी ब्यूटीफुल कनेक्शन, लेकिन उसमें कार्मिक साइकिल स्टार्ट हुआ। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ना हो, कोई और ही इश्यू आए हो, तो वो भी एक कार्मिक साइकिल था, आप दोनों का एक कार्मिक साइकिल चल रहा था जिसमें आपको आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ओके, एंड ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने उतना वर्क ही नहीं किया इस रिश्ते में जितना कि उनको करना चाहिए था, आपने बहुत ज़्यादा दिया। सो आपको एक तरीके से एक टाइम पर तो ये वाइब्स आती थी कि मेरा सोलमेट कनेक्शन है, और एक टाइम पे इतना टॉक्सिक हो गया सब कुछ कि आपको ये वाइब्स आने लगी कि मेरा कार्मिक पार्टनर है, बट यहाँ पर मुझे ये दिखता है अब कि ये कार्मिक साइकिल इसका एंड होने वाला है, एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं इस चीज़ से बाहर निकाल के कि वो आपके साथ बने कनेक्शन में वर्क कर सके, अच्छे से काम कर सके और इस कनेक्शन को आगे ले जा सके। तो ये अपने आप को इस चीज़ के लिए रेडी कर रहे हैं, अपने आप को इस चीज़ के लिए हील कर रहे हैं, एंड यहाँ पर मुझे एक एनर्जी ये भी मिल रही है कि हो सकता है कि आपका इनके साथ एक कार्मिक कनेक्शन रहा है और आप ये चीज़ को जानते हो कि ये मेरा कार्मिक पार्टनर है, ओके, एंड आप काफ़ी टाइम से हो सकता है किसी से हीलिंग करवा रहे हो या फिर आप खुद ही कोशिश कर रहे हो कि हमारा कनेक्शन का जो है वो नेचर चेंज हो जाए, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन का नेचर चेंज किया जा सकता है, अगर हीलिंग की जाए, अगर उस पर वर्क किया जाए तो वो कनेक्शन चेंज हो जाता है, उसका जो यू नो टॉक्सिक जो एनर्जी होती है उसको हम हटा सकते हैं अपने एफर्ट्स के थ्रू, ओके, खुद के एफर्ट्स के थ्रू। सो आई फील कि यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि अगर आपका कोई कार्मिक कनेक्शन है, लाइक यू नो आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो वो आपके कार्मिक पार्टनर है, तो आप ये मान लीजिए कि आपके कार्मिक कनेक्शन की हीलिंग शुरू हो गई है आप, ओके, सो बहुत जल्दी आपको आपके कनेक्शन में सुधार देखने को मिलेगा। कार्मिक कनेक्शंस यू नो एक ऐसा हवा सा है कि यार बहुत बेकार है, बहुत बुरे नहीं, कार्मिक कनेक्शंस भी बहुत अच्छे होते हैं अगर उसमें वर्क कर लिया जाए तो, अगर उसको हील कर लिया जाए तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं, एंड वही हीलिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है कि अब वो शुरू हो चुकी है, ओके, किड्स एंड यहाँ पर है, ओके, रीचिंग कंक्लूशन, ओके, सबसे पहले तो आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला ना ख़राब हो रहा है,
और डिस्टर्ब कर रहा होगा आपको। सेकंड थिंग, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग मैरिड हो एंड आपके किड्स भी हैं, आपके यू नो बच्चे भी हैं, ओके। सो इसके दो तीन एनर्जीज़ हैं, मैं आपको क्लियर करती हूँ। सो अगर आप किसी भी वजह से भी सेपरेशन में चल रहे हो एंड आपको कोई भी रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, ओके, सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि बहुत जल्दी ना आपके सामने क्लियरिटी आने वाली है, ओके। लाइक आपके बच्चे हैं, आपकी एक मैरिड लाइफ है, लेकिन अभी आप दोनों सेपरेशन में चल रहे हो या आप पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हो। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अभी तक अगर आपको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था कि यार क्या होगा, क्या करूँ, क्या ना करूँ, तो अब आपको बहुत जल्दी कोई ना कोई रास्ता मिलने वाला है। यहाँ पर ये मैसेज है, ये किसी के लिए होगा ज़रूर, ओके। एंड यहाँ पर एक चीज़ और पता चलता है, यू नो बच्चे कितने मासूम होते हैं, राइट, एंड कितने प्योर होते हैं, उनकी सोल कितनी प्योर होती है। बाद में जा कर के वो तो बहुत चेंज हो जाते हैं, लेकिन जब बच्चे होते हैं तो वो बहुत प्योर होती है एकदम, यू नो जो अंदर है वही बाहर है, उनके अंदर कोई छलावा नहीं है, वो उनके अंदर कोई छल कपट नहीं है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर भी इस कनेक्शन में यू नो उतना ही प्योरली आगे बढ़ना चाहते हैं, ओके। लाइक यू नो वो एक सच्चाई इस कनेक्शन में लाना चाहते, एक मासूमियत, और यू नो वो कहते हैं ना कि लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते, जैसे कि एक बच्चे का दिल होता है, जैसे कि जो अंदर है वही बाहर है, तो वो भी इस कनेक्शन में बिल्कुल वैसे ही रहना चाहते हैं जैसे वो अंदर से सोचते हैं, या फिर जो उनके अंदर चल रहा है वो बाहर हो, मतलब फुल क्लियरिटी हो इस कनेक्शन में। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी बस यही सोच रहे हैं कि मुझे अपने आप को हील करना है, देन मुझे इस तरीके से इस कनेक्शन में वर्क करना है कि अब हम दोनों के बीच में कोई भी बात छुपी नहीं होगी, जो होगा हम उसको एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, बिल्कुल क्लियर रखेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं रखेंगे कि इसको छुपा लूँ, इसको बता दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, हम नहीं करेंगे। यू नो कभी कभी क्या होता है कि हम बड़े तोल मोल की बातें करते हैं, ख़ासतौर पर रिलेशनशिप्स में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो दिल में है वो जुबा पर होना चाहिए ताकि क्लियर रहे। सो कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ के वो सोचते हैं कि कुछ बातें हम छुपा जाते हैं और कुछ बातें बता देते हैं या फिर मैनिपुलेट कर देते हैं। सो अब आपके शायद आपके पार्टनर ने पास्ट में ऐसा किया भी, लेकिन अब करंटली जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ पर ये मिल रही है कि वो अब इस चीज़ से कहीं ना कहीं बाहर आना चाहते हैं, अभी ऐसा दोहराना नहीं चाहते, अब इस कनेक्शन को बहुत प्योर एंड बहुत क्लियर रखना चाहते हैं, ओके। लेट्स सी, एक्सप्रेस योर लव, एडिक्टेड, यू नो आपके पार्टनर को एक आदत सी हो गई है आपकी, और अभी इनको आपके प्यार की ज़रूरत सी भी महसूस होती है, एंड ये कुछ अपने दिल की बात भी आपको कहना चाहते हैं, कुछ अपने फीलिंग्स, कुछ अपने इमोशंस भी आपसे शेयर करना चाहते हैं, एंड इनको इस टाइम पर आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी महसूस हो रही है, बिकॉज लाइक यू नो एक आदत है कि कोई ना कोई हो जिससे मैं शेयर करूँ अपने दिल की बात, एंड मुझे एक अडिक्शन सी, यू नो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन सी आपकी तरफ इनकी दिख रही है। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ ना कुछ आपसे कहना चाहते हैं, जैसे कि आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत इमोशनली कुछ बोलना चाहते हैं। अगर आपकी बात इनसे होती है तो आप देखना कि ये बहुत इमोशनली बहुत कुछ बोलेंगे, ये आपको इनके इमोशंस सुनने को मिलेंगे, आपके इनको अगर आप फेस टू फेस मिलते हो तो आपको इमोशंस देखने को भी मिलेंगे, ओके। सो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है इनके दिल में, मतलब कि बहुत सारे इमोशंस हैं जो कि आपसे कहना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, सी मैंने बोला ही था यहाँ पर कि थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखती है लॉयल्टी, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन आई फील कि रही है इस कनेक्शन में, क्योंकि वो चीज़ मुझे शुरू से दिखती आ रही है, एंड यहाँ पर कार्ड भी आ गया है थर्ड पार्टी सिचुएशन का। सो आपके पार्टनर बस इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ एक कनेक्शन में लॉयल्टी लेकर के आना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर किड्स के कार्ड को देख करके बोला था कि ये बड़े ही मासूम सी एनर्जी आई है, यू नो बच्चे जिसको हम भगवान का रूप कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बहुत प्योर होते हैं, क्योंकि जो दिल में है वो बाहर है, कोई छल कपट नहीं,
कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं। बड़े होकर के तो बहुत चतुराइयाँ आ जाती है, बहुत अलग अलग तरीके की, लेकिन बच्चे बहुत मासूम होते हैं। सो वही यहाँ पर लॉयल्टी का कार्ड है कि ये अब इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म करके आपके साथ जो कनेक्शन है उसको कहीं ना कहीं उसमें अपनी अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं ये, एंड इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं पूरी लॉयल्टी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ। यहाँ पर है लव बिलीव्स और बॉटम ऑफ द डेक से है रीचिंग कंक्लूजन अगेन। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है जैसे कि आपके पार्टनर के मन में कुछ सवाल भी हैं, बहुत अलग अलग तरीके के कुछ सवाल भी हैं इस कनेक्शन को लेकर के, आप दोनों के प्यार को लेकर के, लेकिन इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनको ना आप बड़ा ही स्पेशल सा दिख रहा है आपके साथ कनेक्शन। सबसे पहली चीज़ तो मतलब इनके दिमाग में ये मुझे दिखता है कि ये सोचते हैं कि हम क्यों मिले थे, ठीक है, और मिलने के बाद में ये थर्ड पार्टी का क्यों आया रोल, और मेरे मतलब कि मुझे ही क्यों इस तरीके से इस चीज़ को फेस करना पड़ा, और मतलब रीजंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रीजंस हैं। बट यहाँ पर रीजंस एक ही है कि कार्मिक साइकिल्स, और हो सकता है कि इनको ये चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि क्या होता है सोलमेट, क्या होता है ट्विन, क्या होता है कार्मिक, आई थिंक इनको नहीं पता है। सो इसलिए ये कहीं ना कहीं इसमें एक कन्फ्यूज़ है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है। होना चाहता तो आपके साइड से भी ये चीज़ हो सकती थी, लेकिन इनके साइड से ही क्यों ही इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, और इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं ये इस चीज़ का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये कुछ इस तरीके का है कि इनको ऐसा लगता है कि मैं किसी से पूछूंगा तो भी कहेगा यार ये क्या पागल है क्या, और इसका जवाब कहीं इनको मिल नहीं रहा है। सो आई फील कि ये थोड़े से इस वजह से परेशान मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। ओके, कमिटेड रिलेशनशिप, लुक बियॉन्ड इल्यूजन। क्यों ना यहाँ पर एक मैसेज ये आपके लिए है गाइस कि आप किसी कनेक्शन में हो, ठीक है, आप किसी कनेक्शन में हो, अब वहाँ पर सब कुछ ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि हम कनेक्शन में हैं और कुछ इस तरीके से हस्बैंड वाइफ की तरह एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह एक दूसरे का साथ देते हैं, और उनका मतलब पूरी मतलब उनकी फैमिली में भी उनका भी पूरी तरीके से हमारा कनेक्शन ही ऐसा है, शादी नहीं हुई है, हम सिर्फ अभी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन हम एक हस्बैंड वाइफ की तरह ही रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ना आपको ये कहा जा रहा है कि एक हस्बैंड वाइफ की तरह रहना और हस्बैंड वाइफ होना, इसमें फ़र्क है, इसके चक्कर में मत फंसो, इसके चक्कर में मत रहो, ठीक है। इस चीज़ से बाहर जितनी जल्दी निकल आओगे, इस सपने से बाहर जितनी जल्दी निकल आओगे वो अच्छा रहेगा। चीज़ों को क्लियर रखो, जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करो। रिलेशनशिप में हो तो हाँ भाई हम रिलेशनशिप में ही हैं, हस्बैंड वाइफ कुछ नहीं होता है, हस्बैंड वाइफ तब होंगे जब हम लीगली होंगे, वरना क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। मे बी ये मैसेज आया है तो किसी के लिए होगा, होता ये है कि सालों साल हम तो हस्बैंड वाइफ की तरह है, यही कहानी सुनते 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 एक टाइम ऐसा आता है जब सच में हस्बैंड वाइफ बनने का टाइम आता है तो सामने वाला कहता है कि ये आगे नहीं बढ़ पाएगा एंड ऑल। एंड जब आप कहते हो कि यार हम तो ऐसे थे, फिर तो ये बोलते कि था ना पहले तो, मैंने सब कुछ दिया, सब कुछ किया ना, उतना ही किया जितना कि करा किया जाता है, एंड वो एक हम फूल बन के रह जाते हैं, बेवकूफ़, और हमें इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया जाता है, हस्बैंड वाइफ कह कह करके हम खुश होते रहते हैं कि यार ये बंदा या बंदी जब शुरू से हस्बैंड वाइफ कर रहा है तो ये फिर तो शादी तो पक्का है। सो इस चीज़ से जितना जल्दी इस भ्रम से बाहर आ जाओ वही अच्छा है। हस्बैंड वाइफ की तरह कह कह करके आप उस रिलेशनशिप को पूरी तरीके से हस्बैंड वाइफ की तरह कर देते हो, लेकिन एंड रिज़ल्ट और आउटकम क्या निकलता है वो कहीं ना कहीं फिर बहुत ज़्यादा हमको खुद को हर्ट करता है। तो इसलिए एक्सेप्ट करो कि हाँ कोई हस्बैंड वाइफ नहीं, हम एक रिलेशनशिप में हैं, तो उसी लिमिट में हमें रहना है,
एंड जब हस्बैंड वाइफ होंगे तब देखेंगे, फिर हम रखेंगे हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशन। तो यहाँ पर आई थिंक ये किसी के लिए मैसेज है कि इस इल्यूजन से, इस भ्रम से बाहर निकलो, इस थॉट के साथ काम मत करो, इस तरीके से पागल मत बनो। अगर कोई आपको ये कहता है कि हम तो हस्बैंड वाइफ की तरह ही है, तो फिर आप बोलते हो कमिटमेंट, आप वो कहता है सामने से कि हम तो हस्बैंड वाइफ की तरह ही है, तुम मुझे हस्बैंड की तरह ट्रीट करती हो, मैं तुम्हें वाइफ की तरह ट्रीट करती हूँ, पागल नहीं बनना आपने, ठीक है। समझदारी से काम लेना है, ऐसी चीज़ों में नहीं फंसना, ठीक है भाई। अगर बोलने का है तो फिर एक लिमिट में रहो, ऐसा कह करके रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप रहना चाहिए वो बहुत अलग हो जाता है। समझ रहे हो आप आई थिंक जिस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो बताने की कोशिश कर रही हूँ। सो एक लिमिट रखो हमेशा रिलेशनशिप में, और उससे बाहर मत जाओ, क्योंकि फिर वो आपको ही हर्ट करेगी, सामने वाले का कुछ नहीं जाएगा। ओके, क्राइंग एंड डिप्रेशन एंड यहाँ पर है। ओके, आपके जो पार्टनर हैं मुझे अभी थोड़े से डिप्रेसिव एनर्जी में दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा रोते भी हैं। इस चीज़ को लेकर के, इस चीज़ को सोच करके कि सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि आपके जो पार्टनर है ना, वो चाहते हैं आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप, ठीक है। वो चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना और स्ट्रांगली आगे बढ़ना, लेकिन अभी इनको ये नहीं समझ भी आ रहा कि जो ये रायता फैला है, जो ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है मेरे सामने, मैं इसके साथ कैसे डील करूं, ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है। और ये चीज़ इनको इतना ज़्यादा अंदर ही अंदर से परेशान किए जा रही है कि ये एक डिप्रेसिव सी एनर्जी में है। ये काफ़ी बारी रोने भी लग जाते हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, जिसकी वजह से इनके इमोशंस इनसे कंट्रोल नहीं होते, और ये काफ़ी बारी रोने भी लग जाते हैं। सो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि ये इन सारी चीज़ों को सोच कर के बहुत ज़्यादा परेशान है, और उसकी वजह से रोते भी बहुत है। ये वाली मुझे एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। बट अगेन यहाँ पर एक मैसेज था जो कि मैंने आपको दिया कि इस रीडिंग से उसका कोई वो नहीं है। एक्चुअली वो मैसेज आया तो मैंने दिया। अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हो, सामने वाला आपको कह रहा है कि हम तो हस्बैंड वाइफ की तरह ही है, कमिटमेंट की क्या ज़रूरत है, तो उसमें आपको इमोशंस में बह कर के ये नहीं कहना कि हाँ चलो ये तो सही बात है कि हम तो हस्बैंड वाइफ की तरह, कमिटमेंट की क्या जरूरत, तो वो उस चीज़ में मत जाना, ठीक है। उस चीज़ में नहीं फंसना है, लोग तो कमिटमेंट देके भी मुकर जाते हैं, तो उस चीज़ में तो पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। फ्लर्ट, ओके, ये बार बार आता है। आपके कुछ क्वेश्चंस रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है। आप बहुत परेशान भी रहे हो इस कनेक्शन को लेकर के, क्योंकि मुझे एनर्जी यहाँ पर दोनों ही साइड से मिल रही है, और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा अलग तरीके के मैसेजेस भी मिल रहे हैं। सबसे पहली चीज़, आपके दिमाग में इस कनेक्शन को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी आपने भी फेस की है, रोए आप भी उनके लिए बहुत हो, ओके। आप बहुत, अभी हो सकता है आप संभल गए हो, लेकिन पहले आप बहुत रोए हो उनके लिए, और आपको समझ में नहीं आया कि उन्होंने जो भी किया, जैसा भी किया, वो क्यों किया है, किस वजह से किया है, किस रीज़न से किया है। उनकी वजह से आप बहुत रोए हो, लेकिन आज की डेट में वो रो रहे हैं, बट रोए तो आप भी हो, और उस टाइम से और अब तक आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस भी हैं। ये कार्ड बार बार यहाँ पर यही बताता है कि आपके सारे सवालों के जवाब आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। डोंट वरी, जो एक हर चीज़ का जो एक आउटकम निकलता है ना, वो आउटकम आ रहा है, डोंट वरी, ठीक है। जिस तरीके से आपको हर्ट करके गए थे, वो एक स्टार्ट थी, लेकिन अब आउटकम आप देख रहे हो उस चीज़ का कि ये कितने डिप्रेसिव एनर्जी में है। एक तरीके से यहाँ पर ये है कि जो आपके क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स भी आ रहे हैं, प्लस एक फाइनल वो कहते हैं ना कि जो एक फाइनल आउटकम होता है कि सिचुएशन से बहुत डील कर लिया, प्रॉब्लम से बहुत डील कर लिया, हर चीज़ से बहुत डील कर लिया, अब लास्ट का एक फाइनल आना बाकी है, आउटकम वो मुझे यहाँ पर दिखता है कि बहुत जल्दी इस कनेक्शन का आने वाला है। मीन्स एक क्लियरिटी जहाँ पर आपको ये होगा पता कि हाँ अब मुझे क्या करना है, या फिर इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है।
वो आपके सामने आगे आने वाले टाइम पे क्लियर हो जाएगा। ओके, ये मैं देख लेती हूँ कि ये कब तक पॉसिबल होगा। ओके, ये मैं देख लेती हूँ कि ये क्लियरिटी या आउटकम कब तक आ जाएगा, कब तक एक प्रॉपर फ्यूचर आपको इस कनेक्शन का नज़र आ जाएगा। ओके, टू मंथ्स। ओके, टू मंथ्स, फेब्रुअरी, फेब का मंथ, आप मार्च तक जा सकते हो, फेब मार्च तक। एंड मार्च का मंथ ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मार्च का मंथ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस वाला मंथ रहता है एंड डिवाइन टाइमिंग का भी मंथ रहता है वो। सो मुझे फेब्रुअरी और मार्च का मंथ दिखता है यहाँ पर कि तब तक आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हाँ अब मुझे क्या करना है। आपको क्लियर फ्यूचर दिख जाएगा कि भाई जो चीज़ मैं कर रही हूँ अभी उसका फ्यूचर क्या है, वो आपको फरवरी मार्च तक दिख जाएगा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।